दोस्तों, आज मैं एक कोचिंग में आया था। इसका नाम है डाइस आईएएस। ये कोचिंग करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ही नज़दीक है। और इस कोचिंग में आज आए थे असम के स्पीकर बिस्वजीत दमारी सर। इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं डीपी वाजपेयी सर। सबसे अच्छी बात मुझे इस कोचिंग की लगी वो है, हर साल जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है, तो वो टोटल ही लगभग यहीं से निकलते हैं। इसके पीछे का रीज़न है डीपी वाजपेयी सर के पढ़ाने का तरीका। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्लासरूम में लिमिटेड ही स्टूडेंट दिख रहे होंगे, क्योंकि डीपी वाजपेयी सर के यहाँ पे टोटल 600 स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ते हैं, लेकिन सर हर एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट रखते हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ, अपने सपने को पूरा कर पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीकर सर को डीपी वाजपेयी सर अपने क्लासरूम के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी फैकल्टीज़ के बारे में बता रहे हैं, और सभी स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे उनकी बातों को ध्यान से सुन भी रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जीएस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी भी यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी कराई जाती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी भी अच्छे से तैयारी कराई जाती है। थोड़ा सा मैं नज़र डालना चाहूँ डीपी वाजपेयी सर के एजुकेशनल बैकग्राउंड पर, तो इन्होंने बीटेक आईआईटी बॉम्बे, एमफिल जेएनयू और एलएलबी किया हुआ है। ये कई सालों से लगातार यहाँ पे पढ़ाते आ रहे हैं और हर साल इनके स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाते हैं और हमारे देश के कई राज्यों में सेवा करते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे असम के स्पीकर हैं जो सर बिस्वजीत दैमारी सर, उनको भी स्टूडेंट के बीच इस कोचिंग में आना पड़ा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिसेप्शन है, यहाँ पे ये टीम रहती है जो आप लोगों के कॉल सुनती है, आप लोगों के जो भी डाउट होते हैं उनको सर तक पहुँचाती है। और सर के पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि सर उनको लगता है कि ये स्टूडेंट पढ़ेगा उसको ही रखते हैं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, फीस के लालच में स्टूडेंट का एडमिशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता है। वाजपेयी सर को लगता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है या पढ़ेगा तो उसको ही रखते हैं फीस रिटर्न करके, वरना वापस भेज देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनका एक अलग ही तरीका है सभी टीचर्स से पढ़ाने का, और ये लिमिटेड स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और रिजल्ट हर साल इसी वजह से दे पाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख भी रहे हैं और क्लास में जो भी चल रहा है सर पढ़ा रहे हैं वो भी है। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो डाइस आईएएस में लगभग 1200 स्टूडेंट ऑनलाइन डीपी वाजपेयी सर के यहाँ पे पढ़ते हैं, और ऑफलाइन आप देख ही सकते हैं हर एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट ये रखते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। व्हाट विल हैपन एट टी इक्वल टू 5 5 सेकंड्स लेटर व्हाट व्हाट हाउ दे विल सुपरपोज करेक्ट सो व्हेनेवर आई वांट टू सी सुपरपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गुड आई वांट टू ऑब्जर्व एट अ टाइम इंटरवल 0 5 सेकंड लेटर मे बी 10 सेकंड लेटर मे बी 15 सेकंड लेटर व्हाट इज हैपनिंग टू दैट असम के स्पीकर खुद आए हैं, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि डाइस आईएएस की असम में भी एक ब्रांच है। इसके अलावा कई स्टेट में और भी डाइस आईएएस की ब्रांच है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जिनको अध्यापक नहीं मिल पाते, मैथ ऑप्शनल के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इस कोचिंग में आकर के पढ़ते हैं, चाहे वो दिल्ली की ब्रांच हो या फिर असम की हो या फिर गुवाहाटी की हो। इसके अलावा दोस्तों सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन भी स्टूडेंट के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं। असम के स्पीकर सर इसलिए भी खुश हुए क्योंकि सर की ब्रांच वहाँ पे भी है, तो असम के स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। वहाँ से भी बहुत सारे आईएएस आईपीएस
आईएएस आईएफएस बनेंगे, इसलिए भी वो खुश थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर की खुद फैकल्टीज भी हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र गौड़ सर, वो खुद स्टूडेंट की काउंसलिंग यहाँ पे ले रहे हैं। उनसे समझ रहे हैं कि वो क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, और सर यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कैसे बन सकते हो। जैसे इनके बहुत सारे स्टूडेंट आईएएस आईएएस के बने हैं, तो यहाँ पे एक एक स्टूडेंट की इस तरीके से काउंसलिंग होती है, उसके बाद उनको समझाया जाता है। दोस्तों एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे डाइस आईएएस तो आपको पूरा एड्रेस नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं, उनके ऑफिस में आ सकते हैं। यहाँ पे देखो सर, इनके नोट्स वगैरह हैं वो भी चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से बनाने हैं, ये कैसे बनाने हैं, इनके स्टूडेंट हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ आपको बताना भूल गए हैं, वो भी हमें लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियोज़ में।